हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। तो आज की वीडियो में हम एक पाइथन स्क्रिप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू हम इंट्राडे के डेटा को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई मीन बाय इंट्राडे डेटा, तो इसके लिए आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ, सो आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो इस एक्सेल शीट में आप देखो तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री का रिस्पॉन्डिंग 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 9:15, 9:16 पे जो भी कैंडल डेटा है यहाँ मैंने उसे फेच कर रखा है। ओके, तो ये आरती की नहीं है, ये जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं राइट नाउ अराउंड 200 स्टॉक हैं, तो 200 स्टॉक के जो भी डेटा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे उसको मैंने यहाँ पे इस एक्सेल शीट में डंप कर रखा है। यू कैन सी ए सी यू वी, और आप लास्ट में जाओगे तो इसमें लास्ट में जाइडस और आई थिंक जी समथिंग इज देयर, सो जाइडस लाइफ है लास्ट में। अब देख लो यहाँ पे मेरे पास 1 मिनट डेटा है, इंटर डेटा है। ओके, और इसमें क्या ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम्स है, यहाँ पे सिंबल भी है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे आप देखोगे तो एक डेटा है फ्यूचर्स का भी, ये देखो ये फ्यूचर्स का है, सेम फ्यूचर करंट एक्सपायरी, ओनली करंट एक्सपायरी। ओके, और यहाँ पे मैंने एक्सपायरी भी एक कॉलम ऐड कर रखा है जिससे आपको आइडिया मिल जाए कि डेटा किस एक्सपायरी से बिलोंग कर रहा है। तो आज की पाइथन कोड का लॉजिक यही है कि जैसे आप उसे एग्जीक्यूट करते हो आफ्टर मार्केट आवर, तो एफएनओ के सेगमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इंटर डेटा ओके वो एक सेपरेट फाइल में आ जाएगी, और जो फ्यूचर्स है उसका एक सेपरेट फाइल बन जाएगा। यू कैन सी यहाँ पे EQ जो नेम से ये फाइल है फर्स्ट फाइल, इसमें इक्विटी डेटा है फाइन, और जो SUT इसमें करंट एक्सपायरी जो होगी 30 जून उसका डेटा है। तो EQB का फॉर्मेट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे क्या टाइम है और ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम और सिंबल नेम। ओके, और जो आपका फ्यूचर्स है उसमें क्या है सेम ओपन हाई लो क्लोज, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होगा एक्सपायरी, क्योंकि किस एक्सपायरी को बिलोंग कर रहा है। इस टाइप की फाइल्स आपको यूजली टेलीग्राम बहुत से चैनल्स हैं वहाँ मिल जाते हैं, या फिर आपको किसी गूगल ड्राइव पर मिल जाता है, पर हम आज देखें कैसे हम एग्जैक्टली अपने लिए से बिल्ड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ मैंने केवल एफएनओ सेगमेंट के स्टॉक्स पिक किया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पिक कर सकते हो, निफ्टी 500 थोड़ा टाइम ज़्यादा रहेगा बट इट्स वर्क फाइन। ओके, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई वी नीड दिस कोड और वाई वी नीड दिस काइंड ऑफ डेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो बैक टेस्टिंग। और आपको बैक टेस्ट करना आपके पास डेटा होना चाहिए, तो आपको पता है कि ऑप्शन डेटा जो है वो केवल हमें करंट डे का मिलता है। ओके, एक बार एक ऑप्शन एक्सपायर हो गया फिर हमें डेटा नहीं मिलता, तो आप इस कोड को यूज करते हो और यू कैन रन एवरी डे, इस तरह से आप ऑप्शन डेटा को सेव कर सकते हो। इन फ्यूचर आप जब भी आपको बैक टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होगी तो आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और सेकेंड थर्ड पॉइंट कॉमन है एनी ब्रोकर इन ट्रेडर, जो लोग ये यूज करते हैं वो लोग इजीली इस कोड का यूज कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आप इस डेटा को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम योर ब्रोकर्स, और फिर आप उसे इजीली अपने जो भी प्लेटफॉर्म का है उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे देखो तो ये जो फॉर्मेट है ऑलमोस्ट सेम है, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा चेंजेस करके इसे आप एनी ब्रोकर अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो, और सिमिलरली अगर आपको इसको इंडिया डेटा के अकॉर्डिंग भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, उस बाद इसका जो कन्वर्जन है वो आप इजीली कर सकते हो यूजिंग पांडा लाइब्रेरीज, और सबसे बेस्ट वे ये होगा कि आप इसे किसी नो एसक्यूएल डेटाबेस लाइक MongoDB, कैसेंड्रा, एनीवेयर आप इसे स्टोर कर लो और वहाँ से फेच करके इसे बैक टेस्टिंग कर सकते हो। पर मैंने सिंपलिसिटी के लिए इसे सीधी फाइल में स्टोर कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। आई थिंक इनफ है इंट्रोडक्शन के लिए, अब हम आते डायरेक्टली कोडिंग पार्ट पे, तो नाउ वी कैन स्टार्ट कोडिंग। और मैंने यूज किया एंजल की API। वाई एंजल, क्योंकि काइट में प्रॉब्लम्स है, आप उसे सेलेनियम के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है, और मेरा मोटिव ये कि आप इसे क्लाउड पर रन कर सको, सो एंजल इज गुड बेटर, एंड फायर से भी थोड़ा इशूज है लॉगिन में, तो इसलिए मैंने एंजल यूज किया है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे डेमो के लिए एंजल यूज किया। कॉन्सेप्ट सेम है, यू कैन यूज सेम कॉन्सेप्ट फॉर एनी ब्रोकर API। ओके, तो लॉगिन सिंपल, API, यूजर नेम, पासवर्ड, तीन चीज़ें आपको चाहिए, और ये कोड तो मैंने मल्टीपल टाइम यूज कर रखा होगा। सो वेन आई रन दिस वन यू कैन सी यहाँ मैंने प्रिंट कर रखा एक्सचेंजेस, ये आ गया अपना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, अपने को टोकन चाहिए। ओके, क्योंकि अपने को इक्विटीज और एफएनओ डेटा चाहिए ना, तो अपने को टोकन चाहिए होगा उसका। सो ये कोड अपना टोकन का, जस्ट रन दिस वन और जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। जैसे ये टोकन मिलता है इसमें से हम क्या करेंगे, जो एफएनओ सेगमेंट जितने इक्विटीज हैं उसको फिल्टर कर लेंगे एक डेटा फ्रेम में। ये अपने पास है कंप्लीट ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स, और इसमें समझ चाहिए केवल वो स्टॉक जो कि एफएनओ में ट्रेड होता है। इसको कैसे फेच करना है आई विल शो यू, आप इसे रन करो। एग्जैक्टली रन दिस वन, ये देखो अपने पास आ गया 198। ओके, तो आउट ऑफ दिस 1 लाख समथिंग अपने को 198 स्क्रिप्ट मिल गए जो कि एफएनओ में। अगर आपको चाहिए ना निफ्टी 500, निफ्टी 200, तो आप एक काम करो एक्सेल शीट बना लो अलग से। ओके, डाउनलोड करो NSE वेबसाइट से, और वहाँ से सिंबल को आप इजीली उस सिंबल को यूज करके आप इसे फिल्टर कर सकते हो यूजिंग दिस सिंबल कैटेगरी। ओके, पर मैंने सिंपल यूज किया है एफएनओ सेगमेंट्स। ओके, अब अपने को एक लिस्ट मिल गई EQ सिंबल DF। ओके, तो ये तो एक लिस्ट हो गई जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये जो है ना EQ। ओके, इसको आप अगर इस सारे सिंबल्स को अगर आप इसका डेटा फेच करके स्टोर करोगे तो वो बन जाएगी ये वाली फाइल, दिस फाइल। ओके, EQ वाली, ये जो भी है यहाँ पे है। ओके, ये EQ फाइल, बट अपने को फ्यूचर भी चाहिए ना, फ्यूचर डेटा भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले अपने को चाहिए एक्सपायरी, क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सपायरीज है ना फ्यूचर्स में, सबसे पहले अपने को चाहिए करंट एक्सपायरी। तो इसके लिए क्या करोगे आप, आई ऑलरेडी रिटन दैट कोड, इफ यू रन दिस कोड यू कैन सी ये अपना करंट एक्सपायरी है 6:30। ओके, तो 30 जून, ये अपने आगे करंट एक्सपायरी। अब अपने को क्या करना है इसमें से, ओके, यहाँ से हम फिल्टर कर लेंगे इजिली वो स्टॉक जिनका एक्सपायरी है
6:30 जून, और जिनका ये आप देखोगे ना ये जो सिंबल ईयर यू कैन सी इंस्ट्रूमेंट टाइप ये होगा FUTSTK। ओके, तो अगर ये सिंबल FUTSTK है फ्यूचर स्टॉक और ये अपनी एक्सपायरी ये है तो वो अपने को मिल जाएगा करंट एक्सपायरी। ओके, सो आई एम गोइंग टू फिल्टर दैट स्टॉक जस्ट सी ईयर यूजिंग दिस 3 लाइन। मैंने फ्यूचर्स के डेटा को भी फिल्टर कर लिया, लेट मी रन दिस फर्स्ट। तो देखो यहाँ पे आगे डेटा, तो इसमें भी सेम ही सिंबल्स हैं 198 रोज। ओके, सेम सिंबल बट एक्सपायरी करंट है। ओके, मैंने करंट एक्सपायरी पिक किया। अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट भी चाहिए तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट लिस्ट फॉर सेकंड एंड थर्ड एक्सपायरी ऑल्सो, पर मैंने एक रिसेंट पिक किया है। ओके, फॉर डेमो पर्पस। तो मैं दो लिस्ट आ गई, एक है इक्विटी सिंबल डी फर्स्ट, सेकेंड है फ्यूचर सिंबल डी। तो अपने को बस ना नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है, बस लिस्ट आ चुकी है। अब अपने को टोकन पास करना है। ओके, और अपने को डेटा लेके आना है, उसे एक लिस्ट में सेव कर, दैट्स सिंपल। ओके, आप देखोगे इसका इंस्ट्रूमेंट टाइप FUTSTK है, इसका आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट टाइप कुछ नहीं है। फाइन, सो सिंपल सेम है, बट यहाँ पे एक्सपायरी है और ये फ्यूचर्स है और ये सिंपल इक्विटी है। अब इसके बाद का स्टेप बहुत ईजी है, अपने को हर एक इंस्ट्रूमेंट वाइज डेटा को डाउनलोड करना है। ओके, तो डेटा डाउनलोड का जो लॉजिक है वो आप यहाँ मिल जाएगा आपके एंजल गेटअप पेज पे, यू कैन सी हियर समवेयर, ये देखो यहाँ पे हिस्टोरिक पैर। ओके, तो आपको ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ये API कॉल बेसिकली obj.getCandleData, और आपको मिल जाएगा आज का 1 मिनट का डेटा। ओके, और उसको आपको बस अपेंड कर जाना है डेटा फ्रेम में, सिंपल। सो इसके लिए मैंने कोड लिख रखा है एज यू नो, सो मैं बस फटाफट उसे कॉपी कर रहा हूँ एंड यू विल सी द लॉजिक हियर। ओके, सो मैंने गेट कैंडल डेटा नाम से फंक्शन क्रिएट कर रखा है और इसे मैंने पास कर रखा है सिंबल इन्फो। ये सिंबल इन्फो क्या है बेसिकली, ये बेसिकली ये रो है, कंप्लीट रो, दिस रो। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या कर रखा है मैंने, सिंबल इन्फो डॉट एक्सचेंज आप कॉल करोगे तो ये कॉल हो जाएगा NFO। ओके, और टोकन कॉल करोगे तो ये टोकन कॉल हो जाएगा। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, आप देखोगे तो यहाँ पे अपने को चाहिए एक्सचेंज, यहाँ पे टोकन, ये दो चीज़ चाहिए, और टाइम फ्रेम अपना 1 मिनट होगा फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं, और आज की डेट होगी सिंपल। तो सेम मैंने यहाँ पे यही काम कर रखा है, आप देखोगे तो ये आज की डेट है। ओके, आप यहाँ पे टाइम जोन भी डाल सकते हो, बट मैंने सिंपल रखा है, और ये 9:15 स्टार्टिंग 3:30 लास्ट। ओके, जैसे ही आप फेच करोगे ये अपना रिस्पॉन्स आएगा, फिर मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में। ओके, और यहाँ मैंने देखो दो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, सिंबल और एक्सपायरी। ओके, क्योंकि अगर ये किस सिंबल का डेटा है और ये किस एक्सपायरी की है, यू कैन सी हियर इन दिस फाइल, मैंने आप देखो तो यहाँ पे क्या है सिंबल और ये एक्सपायरी, यही दो रो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, यू कैन सी हियर। ओके, और ये सिंपल मैंने प्रिंट किया हुआ है, ये डन हो गया। एंड यहाँ मैंने थोड़ा सा टाइम दे रखा क्योंकि एंजल में टाइम लिमिट प्रॉब्लम है, यू कैन ओनली हिट 3 API रिक्वेस्ट इन 1 मिनट 1 सेकेंड, दरअसल मैंने एक गैप दिया हुआ है, हम यहाँ पे कोई ट्रेड तो कर नहीं रहे हैं, तो इस अगर स्लाइड डिले भी होता है इट्स फाइन फॉर अस। ओके, तो गेट कैंडल डेटा फंक्शन का लॉजिक आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसे कॉल करता हूँ पर एवरी इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट इक्विटी से, ये अपना इक्विटी सेगमेंट है और मैं इसे यहाँ से कॉल करता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, 1 by 1 जो भी सेगमेंट है उसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है और उसे अपेंड कर दिया है इस लिस्ट में। ओके, लेट मी फर्स्ट रन दिस वन सो यू गेट बेटर आइडिया। अगर अभी मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो अपने को कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम हो चुका है चेंज, राइट नाउ ये 12:04 और डेट है 8 जून। ओके, और 8 जून का डेटा तो कल आएगा, राइट नाउ इस अपने पास 7 जून का डेटा है। तो यहाँ पे जो ये जो सेक्शन है आप इसे स्लाइटली मॉडिफाई कर सकते हो, बट अभी मैं बस डेमो के लिए यहाँ पे मैं इसे चेंज करता हूँ। ओके, बाद में इसे डेट फॉर टूडे कर लेना, बट मैं अभी राइट नाउ इसे एग्जैक्टली जो हमारा डेट है ना वो कर लेता हूँ। तो राइट नाउ इज 2022 स्लैश एंड लेट मी चेक द कमेंट, सो हाँ 22 and 06 and 07। ओके, फॉर्मेट एग्जैक्टली रेडी, अब ये चल जाएगा, अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, जस्ट डन फॉर आरती, जस्ट वेट 2 मिनट्स आई थिंक। सो डेटा डाउनलोड हो चुका है, यू कैन सी लास्ट है जाइडस लाइफ। ओके, अब क्या है ना ये जो लिक्विडिटी DF लिस्ट, अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो लेंथ है, ओके अगर मैं इसकी लेंथ टाइप करूं तो इसे 198 आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पूरी देखो 198 आ गया, जितने भी स्टॉक्स थे ओके ना 198, इनका जो भी डेटा था आज का, आज 7 जून का बेसिकली, वो उस पूरे लिस्ट में यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ। ओके, सो इसके लिए वो क्या करना है, आई विल जस्ट राइट सम लाइन्स। सो अभी मैंने क्या किया, ये जो भी पूरी लिस्ट थी डेटा फ्रेम की, उसको मैंने कंबाइन कर दिया है 1 सिंगल डेटा फ्रेम एंड जस्ट रन दिस वन एंड यू कैन सी ये आ गई पूरी लिस्ट। ओके, यू कैन सी 74,250 रोज, और ये स्टार्ट हुआ आरती से, खत्म हुआ जाइडस लाइफ पे, सब होगा आई थिंक, इस एवरीथिंग इज फाइन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप बहुत ईजी है क्योंकि अपने पास फाइनल लिस्ट तो आ चुकी है, अब इसे हमें केवल CSV फाइल में इम्पोर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है ना ये इक्विटी नेम से, सेम मैं यहाँ कर रहा हूँ उसी को मैं इम्पोर्ट करता हूँ। तो क्या करना है, आपको 2 CSV कॉल करना है और आपको स्पेसिफिक फोल्डर का पाथ देना, क्योंकि आपको डेली डाउनलोड करना होगा ना, तो बेटर आप एक फोल्डर बनाओ। ओके, मैंने फोल्डर बनाया IUD नेम से
और उसका मैंने जो फाइल नेम क्या है वो आज की डेट होगी और अंडरस्कोर ईक्यू सेम। यहाँ पे आप देखो ना क्या है, ये फोल्डर है ईओडी नेम से और यहाँ पे आज की ये डेट है और अंडरस्कोर ईक्यू। ओके सो मैं इसे जैसे एग्जीक्यूट करूँगा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड। और ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे है, देखो ये आ चुकी है यहाँ पे ईक्यू नेम से 8th से, क्यों? क्योंकि आज की जो तारीख थी ना वो 8 जून था, अभी राइट नाउ यू कैन सी 8 जून, दैट्स हाउ ये वाली फाइल बनी है। ओके तो सिमिलरली फ्यूचर के डाटा को भी डाउनलोड कर सकते हो, तो उसका एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये सेम यहाँ पे क्या था अपने पास, फ्यूचर सिंबल लिया तो उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया और इसे आप रन कर दो। ओके तो अगेन रन दिस वन, अरे देखो ये फ्यूचर का स्टार्ट हो गया, एल डी आई इंडिया मार्ट व्हाटएवर जो भी है अभी डाउनलोड हो रहा है। अब जैसे डाउनलोड हो जाएगा फिर हम इसे भी सेम लाइक इक्विटी मर्ज कर लेंगे, तो उसका भी कोड यहाँ पे देखो सेम लाइन सेम कोड पी डी डॉट, यहाँ पे देखो क्या है मैंने क्या किया कॉनकैट, और ये पूरी लिस्ट यहाँ पे लिस्ट क्या है ये वाली है, ये मैंने पास कर दिया और ये अपने इसके अंदर आ जाएगा कंबाइंड। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट, जैसे ये खत्म होता है फिर हम देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ पूरी लाइन से यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो ये अपनी यहाँ पे थी और इसको भी आप यहाँ पे कॉपी कर लो और यहाँ पे इसको डाल लो। ओके और टू सी एस बी एफ आई ओ डी डेट टू, अब यहाँ पे ई क्यू था तो आप इसे ई क्यू न करके एफ यू टी कर लो, कुछ भी कर लो बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एफ यू टी। ओके और ये डेट है। ओके सो आपको आइडिया मिल जाएगा किस डेट डेटा आपने डाउनलोड किया है। देखो अभी क्या है कि अभी मैं डेट डाउनलोड कर रहा हूँ जब ये, तो राइट नाउ 8 जून है। ओके सो दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रही है, बट अगर आप इसे बिफोर 12 करोगे राइट नाउ रात को 8-9 बजे तो आपको एक्चुअली सब फॉर्मेट सही मिलेगा। तो देखो अभी भी डाउनलोड हो रहा है, आई थिंक इट्स टेक 1 or 2 मिनट टू कंप्लीट डाउनलोड दिस प्रोसेस। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा हम इसे पहले कॉन्कैट करेंगे एक कॉमन लिस्ट में, सॉरी कॉमन डेटा फ्रेम में, फिर इसे हम भी इंपोर्ट कर लेंगे। ओके सो स्टिल अभी देखें कहाँ पहुँचा है, सो इट्स ओके सो ये ऑर्डर में बेसिकली नहीं है, दैट्स वाई ये भी चल रहा है। ओके डन हो गया फाइन, अभी इसे भी कंबाइन कर लेते हैं, सो रन दिस वन, और देखो ये भी कंबाइन हो गया एक लिस्ट में, सॉरी एक डेटा फ्रेम में, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो लेट्स चेक एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पे अपने पास आ गई है फ्यूचर्स और ये इक्विटी। ओके ये ओल्ड फाइल थी जो मैंने आपको डेमो के लिए स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, ये अभी जो हमने जस्ट जनरेट की, ये दो अभी रिसेंट फाइल है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ओल्ड वन को, सो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और ये देखो ये दो फाइल आ गई, तो इसे ओपन कर लेते हैं एंड लेट्स चेक एवरीथिंग इज करेक्ट और नॉट। और साइज देखो तो एक 5 MB की एक 6 MB की, मीन्स कि अगर आप एक दिन डेटा डाउनलोड करते हो तो आपको लगभग 11 MB डेटा लगेगी। ये देखो ये अपना टाइम स्टैम्प का है और ये अपना आरती का है, 9:15 से स्टार्ट हुआ लेट्स से लास्ट टाइम, सो 15:30 तक होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी फाइन। ये देखो ये 15:29 तक है। ओके आरती ऐसे रैंडम कुछ भी पिक कर लेते हैं हम, सो लेट्स से पॉली का भी चेक कर लेते हैं, तो आई थिंक ये सही होगा, आई डोंट थिंक एनी इशू इन दिस वन। सो ये पॉली कैप देखो तो स्टार्ट हुआ 9:15 ओके और एट द एंड होगा 15:30, सो ये देखो 29 यहाँ तक। ओके तो आई थिंक सब करेक्ट है, और इस फाइल को आप यूज कर सकते हो बैक टेस्टिंग वॉट एवर। तो आई थिंक यू गेट आइडिया कैसे हम एक डाउनलोडर क्रिएट कर सकते हैं इंटरनेट डाटा के लिए, और मैंने कहा फैन यूज किया, यू कैन यूज एनी स्क्रिप्ट एज पर रिक्वायरमेंट। और नेक्स्ट पार्ट हम देखें कैसे हम ऑफसंक डेटा को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके सो और ये जो कोड है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा फाइन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून माई नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।